पुलिस थाना डही को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें डकैती डालने की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश डही से सोना चांदी की दुकान पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस के सक्रियता के चलते बड़ी घटना घटित होने से बची है। बदमाशों ने फायर आर्म्स, धारदार फालिये, डंडे, गृह भेदन के औजार, पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल जब्त की गई। दिनांक 26/8/2023 को थाना प्रभारी डही प्रकाश सरोदे को मुखबिर से सूचना मिली कि अराड़ा रोड टेमरिया बैड़ी पर 4-5 लोग हथियारों से लैस होकर पिकअप वाहन मोटरसाइकिल से आकर बैठे हैं और डही में सुनार की दुकान पर डाका डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बकलवार, एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में 2 टीम गठित कर बदमाशों की धरपकड़ हेतु रवाना होकर उन्हें धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक धार द्वारा टीम को नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। उक्त जानकारी थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता और डही थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे ने दी। डही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। कहाँ कहाँ की कबूल की सर इन्होंने वारदात करना? अभी नहीं रिमोट, अभी रिमोट मान लेके बात करेंगे। दिनेश जो आरोपी दिनेश है, ये मनोहर में भी किसी अपराध में बनते थे, उसकी जानकारी मिली नगर देने में और उसका स्थायी वारंट भी है। अच्छा, दिनेश का तो मूवमेंट और भी जगह है, ऐसा नहीं कि इसी इलाके में कर रहे हैं। ये लोग आपको उनसे पूछताछ कर रहे हो और जो डेवलपमेंट आएगा वो आपको होगा। इसमें हमारे ग्रामीण लोगों का ये मानना है, पत्रकारों का भी मानना है कि एक मुखबिर तो डही का होगा। खाली मुखबिर नहीं, ये तो ये क्या करते हैं, सीधा मकान ढूंढते हैं। मुखबिर कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ये तो मुझे गाड़ी लेके निकले हैं, जहाँ इनको लगा सुना मकान है, अच्छा दिख रहा है, थोड़ा घर बार ठीक दिख रहा है, ताला लगा हुआ है, तो ये उस तरीके का टारगेट नहीं है। नहीं सर, ये अभी जो दो जगह चोरी हुई, अच्छा इनको मालूम पड़ गया कि आज यहाँ घर पर कोई नहीं। मैंने बताया ना, सुना मकान देखते हैं ये लोग, दिन में देख के पूछताछ करेंगे। आपने बोला है पूछताछ करिए, ऐसी संभावना बनती है सर कि इन्होंने जो जहाँ जिस जगह को टारगेट किया तो वो मतलब भागने की जगह भी उनको सुरक्षित मिल गई, आसपास के लोगों का सोना उठना नहीं है उनका, वो भी समझ, तो ये ऐसा डाउट करता है जी। ये चीज़ एक डाउट करती है कि कोई लोकल का हो। दूसरा ऐसा सर कि पुलिस भी एकदम सतर्कता से काम कर रही है और जनता भी गश्त वस्त दे। आप लोगों का बताया था सर जो सामने कि यहाँ के पब्लिक जो है वो 8-10 के ग्रुप बना के गश्त पर, यहाँ की जो नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है वहाँ का एक बंदा भी नहीं दिखता, तो वो क्या है, टीम कहाँ है या क्या कर रहे हैं? वापस से सुरक्षा समिति को एक बार वापस नोट कर नया पुनर्गठन हो जाएगा, लेकिन सक्रिय लोग उन्हीं को रखें। एक तो मैं हूँ सर, मैं कर ही रहा हूँ, प्रसाद भाई भी कर रहे हैं, नए लोग रखे तो छतर वगैरह भी वहाँ कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सुरक्षा समिति के 5-6 लोग तो कर ही रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जो अपन देख लेंगे जो निष्क्रिय है, जो नहीं आ रहा है। सर ये एक बड़ी गैंग है क्या, एक से ज्यादा गैंग? एक गैंग है ना पूरी, संगठित गैंग है ये सर। 5 लोगों का निवेदन था मेरा, जो सुरक्षा समिति पंचायत में बनी एक बैठक आप यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे रखा जाए तो। सुरक्षा समिति की बैठक हर गांव से पंचायत से बनी जो है, एक बैठक पंचायत से बनी है? सर आप राजन डावर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।